हेलो दोस्तों, यस के इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। कैसे दोस्तों, आइयो पछ होंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक बोर्ड रखा हुआ है जिस इस बोर्ड की आप लोगों को इस वीडियो में वायरिंग करके दिखाएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और जिन्होंने कर रखा है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा ही बोर्ड है, एक सॉकेट है, दो स्विच हैं, एक होल्डर है। इस वीडियो में आप लोगों को हम इस वीडियो में सिखाएंगे उस तरह से आप लोग वायरिंग घर पर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वायरिंग करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमने इस तरह का ये बोर्ड बना लिया है, यही बोर्ड हमारा है, देख लीजिए ये। और ये हमारा ईस्ट साइड का बोर्ड है, ऐसे देख लीजिए। ये हमारा सॉकेट है, ये हमारे दोनों स्विच हैं, ये हमारा होल्डर है। और इसमें ये हमारा सॉकेट है, ये हमारे दोनों स्विच हैं और ये हमारा होल्डर है। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोगों को हम थ्योरी सिखा देते हैं, फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। तरह से बोर्ड का डायग्राम बना लिया है, जैसे हमारे इस बोर्ड में इसी तरह का डायग्राम है, हम ये समझ लिए। हम पलट के इस साइड इसको पलटा हुआ है, इसी साइड का ये डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को बताइए, ये हमारा सॉकेट है और ये हमारे दो स्विच लगे हुए हैं, ये हमारा बल्ब होल्डर है। तो इसकी कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों कनेक्शन करने किस तरह से किया जाएगा आप लोगों को हम सिखा दें। तो दोस्तों जो हमारा ये दोस्तों देख लीजिए, जो हमारे नीचे के पिन होते हैं ये वाले, ठीक है दोस्तों, इनको आपस में शॉर्ट कर देना है। इसको ऐसे तो हमारा ये साइड नीचे चला जाएगा, तो नीचे वाला तो दोस्तों जो हमारे नीचे वाले हैं इनको आपस में शॉर्ट कर देना है। देखिए हमने शॉर्ट कर दिया इनको, और हमें यहीं से एक वायर लेके यहीं से हमें एक मेन तार निकाल देना है, जो हमारे खंभे वाली वायर यहाँ फेस जुड़ेगी। तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब हमें कह रहे हैं जो हमारा बल्ब होल्डर के पास लगा हुआ है स्विच, ये बल्ब होल्डर है और ये हमारा स्विच है, यहाँ से हमें एक वायर और लेना है और यहाँ फेस दे देना है। देखिए हमने फेस दे दिया यहाँ पर, और जहाँ पे देखिए सॉकेट के एल लिखा हुआ है, ये हमारा फेस है। ठीक है सो लाइन है, एल का मतलब होता है लाइन। यहीं से एक वायर लेना है हमारे सॉकेट में, सॉरी दोस्तों स्विच में ज्वाइंट कर देना है। इससे हम देखें, हमने ज्वाइंट कर दिया। अब बल्ब होल्डर को फेस पहुंच गया, और सॉकेट को भी फेस पहुंच गया। अब आता है न्यूट्रल की बारी। न्यूट्रल चाहे आप देखिए एल लिखा हुआ है और इसमें एक पॉइंट यहाँ छूट गया है, चाहे तो आप बल्ब होल्डर से न्यूट्रल निकाल सकते हो मेन सप्लाई के लिए, चाहे आप सॉकेट से। तो हम सॉकेट से निकाल रहे हैं, देखिए हमने सॉकेट से निकाल दिया। ये हमारा हो गया फेस और ये हमारा हो गया न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मेन सप्लाई जो खंबे से आएगी वही सप्लाई मेन तार लगा देना है। न्यूट्रल फेस आते हैं दो तार, यहीं लगा देना है। अब हमारा बलता है बल्ब होल्डर का न्यूट्रल, तो यहीं से हमारे न्यूट्रल का वायर एक और लेना है टुकड़ा, और यहाँ से हमें बल्ब होल्डर पर इसको कनेक्शन कर देना है। देखिए दोस्तों, हमने बल्ब होल्डर को भी कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पे भी न्यूट्रल हमारा पहुँच चुका है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा हो गया फेस, ये हमारा हो गया न्यूट्रल बल्ब होल्डर का। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका कनेक्शन हो चुका है। अब हम लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। अब ये रहा हमारा बोर्ड, अब आप लोगों को हम थ्योरी सिखाई दिया है, अब लोगों को हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को हमने बोला था कि हमारा जो ये जो एंकल लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये हमारा ऊपर की साइड रहता है और ये ऊपर की साइड रहेगा, और जो हमारा ये है ये हमारा नीचे की साइड रहेगा। तो नीचे वाला हमें क्या करना है, एक वायर लेना है, देख लीजिए, और हमने इस तरह का वायर लिया है, देख लीजिए सिंगल वायर है, 1 mm का है, और इसको हमने यहाँ पे छू लेना है, इसको पेचकस से इसको ढीला कर लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको जो है इसको हमने छील लिया है, इसको डबल कर देना है ऐसे, ऐसे हमने डबल कर लिया है इसमें। जब भी बोर्ड की वायरिंग करते हो तो टाइट बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना टाइट जरूर करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं ऐसे, और इन दोनों को वायरों को छील लेते हैं। तो क्या हमने छील लिया है बीच वाले वायर को जो ने इसमें लगाया था, और इसको इधर इस साइड
इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने शॉर्ट कर दिया। और जो हमारा ये वाला वायर है इसको इधर से डाल देना है। अब इसको इधर, इसको मैंने इधर से डाल दिया और इसको मैंने इधर से डाल दिया। इसको ऐसे टाइट कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइट कर देना है, जितना हो सके टाइट। ढीला रखोगे तो स्पार्किंग करेगा और वायर हमारा स्पार्किंग का होगा और कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। जैसे आप लोगों को हमने थ्योरी में सिखाया था, ये शॉर्ट कर लेना है। देखिए हमने शॉर्ट कर लिया है, ये देखिए हमने शॉर्ट कर लिया यहाँ। अब हमें ये ऊपर की साइड, ये हमारा फेस के लिए यहाँ से निकाल देना है। यहाँ वायर इसको यहाँ इतना काट लेना है। ये देखिए हमने इसको निकाल दिया। ये हमारा फेस में, ये हमारा मेन सप्लाई है जो है फेस की, वो निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है, ऐसे घुमा लेना है। देखिए अब एक तार और छोटा सा काटना है यहाँ से और सॉकेट में लगा देना है। ये हमारा इससे ऑपरेट होगा, ये वाले सॉकेट से, ये वाले स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा। हम जैसे आप लोगों को हमने बताया था, हमने ये वायर का टुकड़ा ये काट लिया है। इसको हमने मोड़ लेना है ऐसे और इसमें इसको लूज़ कर लेना है थोड़ा सा और इसमें डाल देना है ऐसे। देखिए हमने डाल दिया इसको, और जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइट ही रखिएगा। इसको लूज़ मत करिएगा, लूज़ मत रखिएगा। ठीक है दोस्तों, टाइट ही रखिएगा, इसको लूज़ मत रखिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग टाइट रखोगे उतना ही आपके लिए सेफ्टी होगा, क्योंकि स्पार्क लूज जब रहता है हमारा वायर स्पार्क करता है और स्पार्क के कारण हमारा तार कट जाता है। तो हमें क्या होगा, ये यहाँ से जब हम इसको ऑन करेंगे तो लाइन हमारा जो है इसमें लाइन पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको टाइट कर लेते हैं इससे। इस सॉकेट को जॉइंट कर दिया है ताकि जब भी हम बटन इसको ऑन करेंगे ऐसे, तब जाके हमारा इसमें करंट पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को हम बता दें, अब एक छोटा सा वायर टुकड़ा इधर भी लेना है। जैसे हमने इसको सॉकेट के लिए वायर लिया था, वैसे एक और वायर का टुकड़ा लेना है, इसमें जोड़ना है, दोस्तों इसको ऐसे नाप के। दोस्तों देखिए हमने वायर का एक टुकड़ा ले लिया है और हमने छील भी लिया है। छीलने के बाद आप लोग ऐसे डबल जरूर कर लेना है, ऐसे डबल कर लेना है दोनों साइड का, ताकि हमारा डबल जब हो जाएगा तो कसने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम जो बल्ब होल्डर है उसके एक टर्मिनल में लगा दिया, इसको देखिए एक टर्मिनल पर लगा दिया, एक देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए उनमें टाइट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला स्विच है इसका जो हमारा नेट है इसको लूज़ कर लेना है। देखिए हमने लूज़ कर लिया और इस वाले में जो हम ऐसे डाल के इसको भी टाइट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको भी यहाँ से जॉइंट कर दिया है। ये दोस्तों, जो हमारा बल्ब होल्डर है उसको भी हमने फेस पहुंचा दिया है यहाँ, ये स्विच से इसको भी कनेक्ट कर दिया है और ये हमारा यहाँ देख फेस पहुंच चुका है। तो दोस्तों हमारा स्विच, हमारे सॉकेट में भी फेस पहुंच चुका है और हमारा बल्ब होल्डर में भी फेस पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरह से करना है। तो न्यूट्रल के जो हमारा ये वाला देख लीजिए सॉकेट है, ये वाला जो सॉकेट है, और एक वायर इस तरह का टुकड़ा लेना है यहाँ पे, ऐसे नाप ले लेना है ऐसे, देख ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने नाप ले लिया और इसको यहाँ से काट लेना है। तो दोस्तों, जो हमने वायर का नाप लिया था, देख लिया हमने, इसको छील लिया है दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी, इसको भी डबल कर लेना है ऐसे। इसको मैंने डबल कर लिया और इसको भी डबल कर लेना है। और जो बल्ब होल्डर है यहाँ पे हमें एक टर्मिनल जो छूटा हुआ है यहाँ पे इसको टाइट कर लेना है, यहाँ पे डाल के मैंने टाइट कर लेना है। न्यूट्रल का है जो हमने बल्ब होल्डर में दे दिया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक वायर और जोड़ लेना है ऐसे दूसरी साइड में। इसको देखा हमने जोड़ लिया है ऐसे और यहाँ पे इसको डबल करके
ऐसे इसको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है न्यूट्रल जहाँ एल लिखा हुआ है। दोस्तों जहाँ हमारा एन लिखा हुआ है वहाँ पे इसको कनेक्शन जोड़ देना है, इसको टाइट कर देना है। ये देखिए दोस्तों हमने इसको न्यूट्रल भी दे दिया है और न्यूट्रल के लिए हमारा इस तरह का देख लीजिए ये वायर निकल गया बाहर के साइड। तो दोस्तों हमारा ये फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। ठीक है दोस्तों इसी तरह से हम कनेक्शन, ये देखिए दोस्तों अब आप लोगों को हम फिर से समझा देते हैं, समझिएगा फिर से। जो हमारा बोर्ड है देख लीजिए, एक सॉकेट है, दो स्विच हैं और एक बल्ब होल्डर है। तो इसको आप लोगों को हम फिर से समझा देते हैं। जो हमने देखिए इस तरह का वायर लिया था एक फेस का, तो फेस वाला वायर देख लीजिए आप लोग कहाँ से जा रहा है। ये देखिए हमारे नीचे की साइड है, ये साइड देखिए ये नीचे है, ये देखिए हमारे नीचे यहाँ एंकर लिखा हुआ है, ये हमारे ऊपर की साइड रहता है, ये हमारा नीचे की साइड है। देखिए ये दोस्तों इसको हमने शॉर्ट कर दिया है और ये हमने मेन सप्लाई के लिए वायर बाहर निकाल दिया है। ये हमारी तरह का वायर निकाल दिया, देख लीजिए जो हमारे खंभे से सप्लाई आती है इसको हमें डायरेक्ट फेस में देना है। ठीक है दोस्तों अब आप लोगों को हम बता दें, जो हमारा बल्ब होल्डर है, बल्ब होल्डर के लिए हमने ये सॉकेट है जो और ये वाला स्विच है, तो हमने इसको यहाँ एक तार लिया, यहाँ से इसको फेस दे दिया। ठीक है दोस्तों जब हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा इससे ऑपरेट होगा ये। ठीक है दोस्तों अब आते हैं सॉकेट की तरफ। तो हमारा जो ये वाला स्विच है, ये स्विच हमारा ये सॉकेट को चलाएगा, जब हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा ये सॉकेट ऑन ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों ये देखिए हमने वायर लगा रखा है, ये यहाँ से इसको जम्पर यहाँ पे देखिए हमने जोड़ रखा है इस तार को। ठीक है दोस्तों ये हमारी हो गई फेस की। अब आते हैं न्यूट्रल की, न्यूट्रल का देखिए हमने एक वायर यहाँ पर लगाया था ये वाला, और ये वाला हमने यहाँ पे एक कनेक्शन कर दिया। ठीक है दोस्तों ये वाला जो हमारा वायर आ रहा है बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ये हमारा न्यूट्रल का है। तो यहीं से हमारे देखिए ये न्यूट्रल वाला वायर निकाल दिया है हमने। अब ये हमारा बोर्ड जो है बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, अब इसका करा देते हैं आप लोगों को हम चेक भी करा देते हैं। तो चेक करने दोस्तों देखिए हमने इस तार को छीन लिया है, अब हमें क्या करना है एक वायर लेके। तो दोस्तों इसे देखिए हमने इस तरह का प्लग वाला वायर उठाया देखिए, और इसमें एक न्यूट्रल में न्यूट्रल कर देना है, ये हमारा न्यूट्रल का है, न्यूट्रल में कर देना है। और हमारा जो ये फेस है इसको फेस में कर देना है, ये देखिए। अब आती है इसकी टेस्टिंग की बारी। टेस्टिंग के लिए हम एक इसमें बल्ब जो है इसमें एक बल्ब लगा लेते हैं पहले। तो देखिए इसमें 100 वाट का एक बल्ब लगा लेना है, ये देखने हमने इसमें लगा दिया है। अब इसकी तो दोस्तों इसको हमने मेन सप्लाई में लगा दिया है, आप लोगों को दिखाते हैं हमारा बल्ब जलता है कि नहीं। देखिए दोस्तों हमारा बल्ब जल चुका है। ठीक है दोस्तों इससे इस वाले स्विच से हमारा ये वाला बल्ब होल्डर ऑपरेट होगा। देखिए हमारी मेन लाइन आ चुकी है इसमें, ये देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों अब आते हैं हमारा सॉकेट में हमारा बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा आप लोगों को दिखा दें। इसको हमने खोला यहाँ से और ये हमारा बल्ब ये है, इसको आप लोगों को हम दिखा देते हैं सॉकेट में हमारा जलता है बल्ब कि नहीं जलता है। ये देखिए दोस्तों हम बल्ब ये देखिए दोस्तों हमने इसको लगा लिया यहाँ पे इसको। दोस्तों ये जो प्लग है हमारा बल्ब का है और इसमें लगा लेना है। ठीक है दोस्तों इसमें हमने लगा लिया है और इसको हम बोर्ड को सप्लाई देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने बोर्ड को सप्लाई दे दिया, अब देखिए हमारा बल्ब जलता है कि देखिए दोस्तों हमारा बल्ब जल चुका है। ठीक है दोस्तों हमारे ये वाला जो स्विच है हमारे ये सॉकेट के लिए है। ठीक है दोस्तों ये देखिए दोस्तों इस सॉकेट से हमारा बल्ब जल रहा है, इसको निकाल देते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं हमने किस तरह से बोर्ड की वायरिंग की और इसको हमने टेस्ट करके भी दिखाया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में नए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।